खैर, लाइफ इज अ चैलेंज, लाइफ इज अ रेस। क्या हाल है ब्रो? ये मेरे रूम को देखिए, मुझे बताएं आपको मेरा रूम कैसा लग रहा है। परफेक्ट टाइप लग रहा है ना, मतलब हर चीज बहुत समेटी हुई है, बहुत मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे लगता है हर चीज आपको पता होना चाहिए कि आपके रूम में एग्जैक्टली ये चीज कहाँ पड़ी हुई है, जिस जगह पे पड़ी हुई है उसके पीछे कोई मकसद होना चाहिए कि यहाँ पे क्यों पड़ी हुई और वहां पे क्यों नहीं पड़ी हुई। और मैं अभी तंग आ रहा हूँ और मैं अभी ये ऑर्गेनाइज करने लगा हूँ। फॉलो मी। जो मेरी सारी बुक्स पड़ी हैं यहाँ पे माशाल्लाह विदाउट एनी ऑर्डर पड़ी हुई है, मतलब एक तरह की बुक्स एक साथ हो ना, कोई बचपन की बुक पड़ी हुई है, हैरी पॉटर पड़ी है, फिर कोई काम की बुक पड़ी हुई है। यहाँ भी सारी बचपन की बुक्स पड़ी हुई है, बीच में एकदम से मेरी कोई काम की बुक आ जाएगी, मेरी सेल्फ हेल्प बुक, और यहाँ नीचे मेरी कॉफी पड़ी है, मतलब कोई बात है। कैमरे का सामान मेरा माशाल्लाह सा यहाँ पड़ा हुआ है सारा, जरूरत मुझे सामान की वहाँ होती जब मैं वहाँ बैठ के एडिटिंग कर रहा होता हूँ। व्हाट इज दिस बुल। सनग्लासेस पता नहीं क्यों पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़ी हुई हैं, कुछ तमीज से होनी चाहिए एक तो, और शायद अगेन ये भी वहाँ पे जहाँ पे मुझे कंप्यूटर पे काम होता है। ये पिक्चर्स मैंने लगाई थी एक बार मैंगोबाज़ के साथ, एक सीरीज कर रहा था तो उसके लिए लगाई थी। भाई ये तेजा तेजा क्या चल रहा है यहाँ पे? अब वो सीरीज नहीं चली तो उसके बाद से पिक्चर्स ये ऐसी पड़ी हुई, हालांकि मुझे कोई शौक नहीं है ये किडनैप का, ये फोर्स का। हाँ ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, लेकिन यार ये कुछ जम नहीं रहा ना इस वॉल पे, तो ये हटना चाहिए। अगर आप मेरी दराज की तरफ आए तो यहाँ पे मेरे स्टिकी नोट्स वगैरह फैले पड़े हुए हैं कुछ ऑर्डर में, तो ये पेपर्स पता नहीं क्यों पड़े हुए हैं, मुझे कुछ पता भी नहीं है पेपर्स के अंदर क्या है क्या नहीं है, इनको थोड़ी तमीज से लेके आना है और रखना कहाँ है ये सोचना है। पीसीबी के इवेंट पे गया था मैंगोबाज़ के साथ, उस कार्ड की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेमोरेबिलिया है खाली यादों के लिए, और यादों का सामान इस अर्जेंट ड्रॉअर में नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ अर्जेंट काम की ड्रॉअर है, ये कहीं और रखो जहाँ तुम्हें फिलहाल जरूरत ना हो। यहाँ क्या है? चश्मे वश्मे भाई इनकी मुझे अभी जरूरत नहीं है, जब मूवी देखने जाऊंगा तब होंगी। तो ये इस डेस्क पे क्यों है? दराज में क्या कर रहे हैं ये? और क्या है भाई इन दराजों में? क्या है? खाली बैग, चलो ये ठीक है तुम इधर रहो। अबे खुलना। ट्रैवलिंग के बैग, चलो ये भी ठीक है तुम भी इधर रहो। हालांकि ये मेरे कैमरे का बैग है, यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम वहाँ जाओ। और आप में क्या है? अरे ये प्लेटें देनी थी मैंने किसी को यार, शिट याद है, खैर बाद में जाएंगी। और क्या है? बाथरूम में कपड़ों के साथ, चलो यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, बल्कि वो चश्मे वगैरह भी यहाँ पहनने चाहिए। ये भी है मेरे पेपर्स, ये भी इधर ठीक है, खैर मुझे इनकी जरूरत नहीं है अभी, लेकिन चलो तू इधर रह अभी। चलो शुरू करते हैं, पहला काम इन बुक्स को ठिकाने लगाना है। मैंने यहाँ से खाली कर दिए हैं, यहाँ से खाली कर दिए हैं। एक तो इन सब बुक्स को मैंने अपनी कैटेगरी या अपनी सीरीज के हिसाब से सॉर्ट करना है, और फिर देखना कि मेरी कौन सी वाली बुक्स इधर जाएंगी, कौन सी यहाँ जाएंगी। मेरे ख्याल में सारी मेरी बचपन की बुक्स हैं वो मैं यहाँ रखता हूँ, बिकॉज यार एक्सेसिबल जगह नहीं है, जो यहाँ पे रखूंगा थोड़ी अकलमंदी वाली बुक्स सारी यहाँ पे आएंगी। मैं बचपन में गूज़बम्प्स जो आर एल स्टाइन की हॉरर बुक्स की चीजें बहुत पढ़ता था, पहले उस झंझट को निकालते हैं उसको सारी। कांग्या तू कांग्या। हाँ ये वाला, लेट्स स्टार्ट विद गूज़बम्प्स। हाँ तू, ये तू जरा, तू अभी नहीं रुक, तू बाद में आएगा, यहाँ पे आ जाए सारे आप। ये नहीं है आप, सॉरी। गूज़बम्प्स। काफी परफेक्ट फिट आई है माशाल्लाह। इसके कोई 13 बुक्स हैं, वो 13 के 13 ठिकाने लगाते हैं, इसको लगाते हैं ठिकाने अब। लेट्स गो ब्रो। हैरी पॉटर। ओवरऑल जितनी जगह लगी ना, जो मेरी बाकी सारी बचपन की किताबें वो यहाँ फिट कर दो। बचपन की सारी बुक्स अपनी जगह पे रख दी हैं, अब आते हैं थोड़े से अबव चाइल्डहुड। क्या इंग्लिश है यार, चेक करें जगह कितनी बनती है ऑर्गेनाइज कराने के बारे में। मतलब यही किताबें हैं जो मैंने अरेंज की हैं खाली, और इतनी जगह बन गई है। अगर दिल में जगह नहीं है किसी के लिए, दिल के अंदर के जो थॉट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज रखो, दिल में दूसरों के लिए जगह बनेगी। शिट, ये तो वाकई सच्ची बात है। इस तरह खड़ी हैं आड़ी, दीवार खराब हो रही है। खैर अब हो रही है, क्या कर सकते हैं, उखाड़ो भाई उखाड़ो। अच्छा भाई अब क्या करना है, अब दराजों पे आओ। अच्छा वैसे दराजे का जितना भी मेरा सामान है और जितना मेरा सामान इस अलमारी में पड़ा हुआ है, इस सब में बहुत हेरा फेरी होनी है अक्षय कुमार स्टाइल। बहुत सारा सामान वहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से बहुत सारा सामान वहाँ जाना है। तो एक काम करते हैं, इस सारे सामान को उठा के पहले फिर से इस बेड पे डालते हैं, और फिर इसको सॉर्ट करेंगे थोड़ा सा वहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा वहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे। अच्छा भाई जब मैं डेस्कटॉप पे काम कर रहा होता हूँ तो मुझे जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो सारा ऑब्वियसली दराजों में आएगा जो डेस्कटॉप के साथ है, तो वो सामान अलग करते हैं, जो जो दराजों में आएगा वो दराजों में डालते हैं। चलो कैमरे का सामान, ये मेरे उस कैमरे का कवर है, ये मेरे ख्याल में इस दराज में आना चाहिए कैमरे का। चलो कैमरे का सामान सारा इस दराज में। चलो भाई ये है स्टेशनरी की दराज, डन, लेट अस गो। इस दराज में डालते हैं सारे वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मुझे चाहिए। मुश्किल काम है थोड़ा,
ये सब तो फिलहाल इतना ही है। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं जो फालतू हैं उनको भी नहीं चाहिए, वो डब्बे में डाल के वहाँ डालो यार। छोटू वहाँ डाल, शाबाश। जैसे कि ये एक्सबॉक्स के नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं चाहिए। ओ ये क्या है, ये मेरे पियानो का अडाप्टर है। अब आती है ट्रिकी सिचुएशन। आप पियानो कितना बजाते हैं, आपको पियानो की बहुत जरूरत पड़ती है तो वहाँ डालें, नहीं पड़ती तो यहाँ डालें, वहाँ डालें या यहाँ डालें, वहाँ डालें। अबे यार कहाँ बजाता है तू, इतना वहाँ डाल। शाबाश सही। अब जो छोटी मोटी चीजें हैं ये सारा इधर डालो, आप सब इधर जाओ। खाली खाली ये ऑल दोस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स गो इनटू द फोर्थ ड्रॉअर व्हिच इज द लास्ट ड्रॉअर। कचरा कचरा फिरकी का ही इमारत है। ओए सेल मिल गया। टे टे टे। सबका बंदोबस्त हो गया, सारा काम पूरा हो गया, तो फिर आओ एक काम की बात और करते हैं। बेहतर है अब काफी। बेहतर क्या, परफेक्ट हो गया भाई। अब क्या हो गया तुम्हें? परफेक्ट नहीं हो सकता यार, बहुत डिफरेंट हो गया। हाँ तो डिफरेंट ही तो करने के लिए तूने ऑर्गेनाइज किया था पागल। हाँ मुझे पता है, डिफरेंट ठीक चाह रहा था मैं, लेकिन उस तरह नहीं, मतलब वैसे अभी नहीं, ओवर द इयर्स बहुत डिफरेंट हो गया है ना, तो वही बात तो नहीं आ सकती यार। तुम कभी जिंदगी में खुश ना होना, जब देखो रोते ही रहना, अजीब रोती शक्ल है तू, कसम से बस कर दे यार रोना। हो गया हाँ, वक्त के साथ चीजें चेंज हो जाती हैं। जब देखो तुम्हें सर पीटना है, रोना है, तो कौन है तू, क्या है?